काफ़ी दिन हो गया मुझे खेले, लेकिन आई नो किसे खेले कैसे। आज हम आपको दिखाएंगे कैसा वीडियो। गांव में हम घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, तो अलग अलग चीज़ें दिखती रहती हैं और अलग अलग खेल बनाते रहते थे। तो अब तो थोड़ा जमाना बदल गया है, थोड़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, तो अब खिलौने नए नए प्रकार के खिलौने मिलने लगे हैं, प्लास्टिक और अलग अलग चीज़, और मोबाइल में ज़्यादा लिप्त रहते हैं बच्चे आजकल के। लेकिन जब हमारा बचपना था, हम छोटे थे, लगभग 5-6 साल के या उससे थोड़े बड़े, तो हम अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि पेड़ पत्ती पौधों से या किसी भी चीज़ से खेलने के लिए कुछ खिलौना बनाते थे और उसे खेलते भी थे, इंजॉय भी करते थे। तो एक छोटा सा ट्रिक है, एक छोटा सा खिलौना है जो कि हम रेड़ के पेड़ से बनाते थे, उसके पत्तियों से एक राउंड राउंड करने वाला, और इंजॉय भी लेते थे और उससे अलग अलग खेल बनाते थे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसा खेल रहेगा और क्या चीज़ है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं यहाँ रेड़ के पेड़ के पास। ये है जो हमारे पीछे प्लांट आपको दिख रहा है रेड़ का। रेड़ के बारे में कहावत भी फेमस है, आपने सुना ज़रूर होगा कि जहाँ पेड़ न रूप वहाँ रेड़ महापुरुष। इट मीन्स कि अगर जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, जो जंगल रहता है, कोई अच्छे पेड़ नहीं रहते, तो वहाँ पे ये पेड़ उगता है और इसका ऑयल निकाला जाता है, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये बेसिकली पत्ता है और इस पत्ते को हमने ले लिया है। पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कोई से इसका हानि नहीं है, ना किसी को नुकसान है, तो हम तोड़ सकते हैं। और ये पत्ता पूरा इस तरीके का होता है। तो बरसात में हम लोग ऐसे छाता वाता ऐसा टाइप का खेलते थे, वो अलग था। और इसको इस तरीके से हमने यहाँ तक का वो रोटेट किया और इसको पकड़ लिया और यहाँ से इसको रोटेट करके तोड़ दिया, तो एक ऐसा स्फेरिकल एक गोला सा आकृति बन जाता है। और ये पूरा डंडा, और फिर इसको उंगली में फंसा के इस तरीके से पहला फ्रेयर था और थोड़ा सा फिर से एक बार। काफ़ी दिन हो गया मुझे खेले, लेकिन आई तो इस तरीके से हम खेलते थे उस ज़माने में ये खेल। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग ये कि हम लोग पेड़ से, पौधे से और कुछ भी किसी भी चीज़ों से कुछ खेलने का चीज़ बनाते थे। ये था बचपना तब का, और अब के बचपने में थोड़ा अंतर है। इस तरीके से रोटेट होता रहता था और हम चलते और इसको रोटेट करते रहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक नया वीडियो था, ये चीज़ें अब लुप्त हो रही हैं धीरे धीरे, तो आप ये देख सकते हैं, इससे खेल सकते हैं, थोड़ा इन्जॉय आएगा।